गुड मॉर्निंग बच्चों, आपके सामने एक पिक्चर है तो आप देख सकते हो ये किसकी पिक्चर है। एक लॉयन की। लॉयन जंगल में कौन होता है? राजा होता है ना। तो राजा का क्या काम होता है? सबका ध्यान रखना। आपने स्टोरी सुनी है कभी? कोई कहानी सुनी है लॉयन के बारे में? सुनी होगी है ना। तो आज हम एक और लॉयन किंग के बारे में कुछ जानेंगे कि कैसे हम सब लोग इंसान लॉयन, हिरन, एलिफेंट, जिराफ, जेब्रा, इन सब की लाइफ में हम ह्यूमन बीइंग्स ने, मनुष्यों ने कैसे डिस्टर्बेंस किया है, उन्हें कैसे परेशान किया है, उनके घर में हम जाके उनकी ज़िंदगी को कैसे परेशान कर रहे हैं। तो वो लॉयन अपनी कहानी बता रहा है, ठीक है। इसको हम रीड करेंगे, तो फिंगर ध्यान से देखें। आई एम द किंग ऑफ द फॉरेस्ट, मैं जंगल का राजा हूँ। माई किंगडम हैड वंस बीन वेरी ब्यूटिफुल, मेरा किंगडम एक बार बहुत सुंदर था। द फॉरेस्ट हैड बीन फुल ऑफ टॉल ट्रीज, जो जंगल था उसमें बहुत लंबे लंबे ट्रीज थे, पेड़ थे। टॉलर दैन योर टॉलेस्ट बिल्डिंग्स, इतने लंबे कि जितनी आज इंसान ने बिल्डिंग्स लंबी लंबी बना रखी हैं उससे भी लंबे पेड़ थे। वेल नॉट ओनली टॉल ट्रीज, वहाँ पे सिर्फ टॉल ट्रीज नहीं थे, देयर वर क्लाइंबर्स, वहाँ पर क्लाइंबर्स थी, बेलें थी, बुशेस थी, झाड़ियाँ थी, श्रब्स थी, झाड़ियाँ थी एंड ग्रास, और घास थी। द फॉरेस्ट लुक्ड ब्यूटिफुल विद वाटर स्प्रिंग्स, फॉरेस्ट वाटर स्प्रिंग्स के साथ बहुत सुंदर लगता था। पूल्स थे वहाँ पे, वाटर स्प्रिंग्स माना झरने, और पूल्स तालाब, हिल्स पहाड़ियाँ, वैली घाटियाँ, एंड मैनी अ वंडरफुल सीनरी, और बहुत सारी सुंदर सुंदर सीनरी थी। फॉरेस्ट बहुत सुंदर होता था। कौन बता रहा है? लॉयन बता रहा है कि उसका जो फॉरेस्ट था, जंगल था, वो पहले कितना सुंदर होता था। वहाँ पे लंबे लंबे पेड़ थे, उसमें बेलें थी, झाड़ियाँ थी, घास थी, वाटर स्प्रिंग्स थे, झरने थे, पूल था, तो बहुत सुंदर सुंदर वहाँ पे सीनरी थी। पर फिर क्या हुआ, इंसान ने उनमें जाना शुरू किया तो सब कुछ डिस्टर्ब हो गया।